हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं अपना रूम का मेकओवर। सो रूम को हम डिफरेंट तरह से नहीं करेंगे, बट कुछ जितने हमारे पास सामान है उसी से हम ट्राई करेंगे कि कुछ उसको अच्छे से लुक दें। और आई एम सो एक्साइटेड, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये है मेरा, बिल्कुल अभी बहुत गंदा हो रहा है रूम, बहुत मैसी हो रहा है। तो सबसे पहले गंदा नहीं है, मैसी है, क्योंकि अनाया के एग्जाम चल रहे थे इसलिए हमने इस रूम को छेड़छाड़ नहीं किया है। ये देखिए, इसके जगह जगह पे आपको सामान, अधिकतर सामान अनाया के ही हैं। और अनाया की अब छुट्टी हो गई है तो अनाया ने ही डिसाइड किया कि अपने कमरे का मेकओवर करेगी। तो ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्टिंग कर दी है। तो गाइस, ये कवर मेरी मम्मी ने बनाया है, बहुत अच्छा सा है। ये कवर नहीं है एक्चुअली, ये स्कर्ट है मेरी, एंजल की स्कर्ट है। और गाइस, क्योंकि इसका ये भी मैंने सिला था, शेप ऐसे होता है, शेप बहुत सुंदर था और मुझे लगा कि इसका कवर बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये आइडिया अच्छा है। यहाँ पर हैंडल है इसलिए यहाँ पर देखिए ये कमर वाला पोर्शन है। तो ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया से कवर हो गया है इससे लगता है। और यहाँ इस कॉर्नर देखिए, ये मेरा सिलाई का पिटारा है, ये मैंने बैग बनाया है, इसमें ही मेरे सिलाई के जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं मैं इस बैग में रखती हूँ। ये बैग बनाई हूँ। और ये देखिए, ये मैंने बॉक्स तैयार किया है जिसमें मेरा सिलाई का और भी सामान वगैरह रहता है। ये देखिए, ये अनाया ने अपनी डॉल रख रखी है इसमें। ये देखिए, ये डॉल अनाया की दादी ने बनाई है इसके लिए, और इसके ड्रेसेस भी उन्होंने बहुत सारे सिल के दिए हैं इसके लिए। ये देखिए, ये इसके ड्रेसेस हैं, इसमें गरारा सरारा पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे इसके ड्रेसेस हैं। इसमें पार्टी वेयर ड्रेस भी है इसके डॉल का। ये देखिए, ये पिछले साल अनाया गई थी अपनी दादी घर, तो उसने वो अपनी दादी से ये बनवाई थी, उसकी दादी ने उसे खेलने के लिए बना कर दिया था। जी, मुझे भी याद है, मेरी दादी ने भी मेरे लिए बनाया था। ये देखिए कितना सुंदर से उन्होंने इसे तैयार किया है। ये देखिए उसकी चोटी, ये नथुनी वगैरह। ये देखिए, ये इस तरीके का एक डब्बा था, ये एक्चुअली कुकर का डब्बा था जिसे मैंने, ये बहुत सुंदर से कपड़े से मैंने फेविकॉल के द्वारा इसे चिपका के और बहुत सुंदर सा बॉक्स तैयार किया है। ये देखिए, ये बॉक्स कुछ इस तरीके का है, और इस बॉक्स में मेरे जितने भी सिलाई वगैरह के सामान है वो आ गए आसानी से। ये देखिए, ये सीजर, ये धागे का डब्बा, ये चौक का डब्बा जो सिलाई के काम आता है, सारी सिलाई से ही रिलेटेड सारे सामान है इसमें। ये देखिए, ये चेन, ये इलास्टिक, रबर, और ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज, ये टेप। पहली बार जब मैं सिलाई सीख रही थी तब मेरे पापा ने लाकर ये टेप दिया, तब से मैं इस टेप को अपने से जुदा नहीं करती हूँ, ये मेरे पास हमेशा रहता है। और ये देखिए, वैसे तो ये है दवाई का डब्बा, लेकिन इसमें मैं कुछ रखती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बटन्स वगैरह मैं इसमें रखती हूँ, ये धागा, ये इलास्टिक है, ये चेन, और इसमें मेरे लेसेस वगैरह। इस डब्बे में मैं लेस अपना रखती हूँ। ये देखिए, ये सब तरीके का लेस है। ऐसा करने से ये सब एक जगह भी आ गया, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है आसानी से मुझे मिल जाता है सब सामान इजली। और भी सामान मैं जो भी लाती हूँ नया, और कोशिश करती हूँ कि इसमें ही रखूँ। और इस तरीके का डब्बा, जैसे ये आइसक्रीम का नहीं, ये चॉकलेट का डब्बा है, कुछ भी मतलब वैसा डब्बा जो भी है मैं यूज़ इस तरीके का कर लेती हूँ इसमें, किसी में कुछ अपने छोटे छोटे सामान रख लेती हूँ ताकि वो बिखरे भी नहीं और अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में हो रहे। ये देखिए, मेरे सीजर्स कुछ हैं यहाँ पर भी, इलास्टिक, ये बड़ा वाला सीजर, और भी सामान जो भी, काफ़ी सामान इसमें आ गया है। इस तरीके के डब्बे में आप अपने छोटे मोटे रोज़मर्रे के सामान को
अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये देखिए बाकी कमरों के तो ये रजाई गद्दे ये सब समटा गए हैं, रखा गए हैं, लेकिन इस कमरे का रह रहा था, आज इस कमरे का मेकओवर होने जा रहा है। ये देखिए बिन बैग हमने ऊपर रख रखा है। ये देखिए इस कमरे में अनाया हमें आने ही नहीं देती थी, अभी इसका पेपर चल रहा था ना इस कारण, तो अब हम इसे अच्छे से साफ और ऑर्गेनाइज कर देंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया। ये देखिए एक तो क्यूट है ना। ये मीशो से हमने कुछ स्टोरेज बैग्स मंगवाए हैं, जो कि हमारे जो कपड़े बेड वगैरह में हम रखते हैं समेट के, उसके लिए हमने ये बैग मंगाया है। स्टोरेज बैग है ये 9 पीस का सेट है। ये देखिए अब इसका रिव्यू हम आपको देंगे कि ये बैग वाकई में कैसा निकला और आपको मंगाना चाहिए या नहीं। ज़िप की क्वालिटी भी देख लेते हैं कैसी है। अच्छी क्वालिटी का ज़िप है। ये तो बता दो क्या है। ये स्टोरेज बैग है, सारी स्टोरेज बैग, आप कोई भी कपड़ा वगैरह कुछ भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। साइज भी ठीक है, इसमें मैं दिखाती हूँ कितना कपड़ा आ जाता है। देखिए ये साइज है इसका, स्पैन से अगर नापे तो 1 देन 2 और थोड़ा सा 2 हाफ स्पैन, 1 ये 1.5 स्पैन इधर से है और 2 स्पैन इधर से है। और इस बैग की फैब्रिक जो है वो नॉन वीवन है। ये देखिए इस टाइप का ये फैब्रिक है। ये देखिए मैंने सारे स्टोरेज बैग को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा कपड़ा हमारा इसमें अच्छे से स्टोर हो गया है और बहुत बढ़िया तरीके से भी स्टोर हुआ है। ये देखिए सर्दी का कुछ कपड़ा है, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हम हमेशा यूज़ नहीं करते हैं। और ये स्टोरेज बैग बिल्कुल लेबल का भी है, हमारे दीवान में बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है और इतना स्पेस हमारा बच भी गया है। तो ये बैग मुझे तो बहुत 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 ही पसंद आया। मैं आज सोच रही हूँ ये बैग मुझे पहले ही, बहुत साल पहले ही ले लेना चाहिए था। ये देखिए, ये देखिए जब फ़ैन आया था तब इस तरीके से इसे फिट करने के लिए भी उन्होंने ही आदमी भेजा था, इलेक्ट्रिशियन भेजा था, और वो इस तरीके से इसे सेट कर रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर पंखा, मुझे एक नज़र में ये पसंद आ गया। ये देखिए इसकी प्लास्टिक वगैरह हटाई जा रही है और इसे अब सेट करेंगे। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर और सुंदर था। 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 और आज मैं इस फ़ैन का रिव्यू आपको देने जा रही हूँ। ये लगाए करीब 10-15 दिन हो गए हैं। ये गुड बाय डस्ट एंटी डस्ट फैन है, फिन्स है, ये बोल के हमें दिया गया था। अब दिखाती हूँ मैं, ये उषा कंपनी का है और अब मैं दिखाती हूँ कि इसमें एंटी डस्ट वाकई में है या नहीं है। ये आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा डस्ट है, इसमें डस्ट आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, मैं डस्ट की वजह से ही ये इस फैन को हमने चूज किया था, लेकिन इसमें डस्ट आ रहे हैं। ये साइड में देखिए दिख रहा है डस्ट, तो जो भी अगर इस टाइप से लेना चाहते हैं कि हाँ चलो सिंपली यूज के लिए फैन लेना चाह रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर आप डस्ट के हिसाब से लेना चाहते हैं कि एंटी डस्ट है तो मेरे ख्याल से ये एंटी डस्ट नहीं है। ये उषा वालों ने हमें बुद्धू बनाया है। तो ये था अनाया के कमरे का मेकओवर। ये देखिए
ये अभी हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस उसे ही जो मैसी था फैला हुआ था उसे हमने समेट लिया है। थोड़ा बेड वेड हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है। और ये देखिए, ये अनाया ने इस तरीके से इसे अपने प्रिंगल्स के बॉटल वगैरह सब एक जगह ही रखती है। और ये देखिए, ये यहाँ पर हम अपना इन्वर्टर केस भी रखते हैं, क्योंकि और कहीं दूसरी जगह ये सूटेबल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल लगा रखा है। इसका सूटेबल जगह मिलते ही हम इसे वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए, अभी हम इसके वॉल पे कुछ डेकोर वगैरह सजाना चाह रहे थे, वॉल हैंगिंग वगैरह लगाना चाह रहे थे, लेकिन हमें आइडिया नहीं मिल रहा था कि हमें किस तरीके का यहाँ पर वॉल हैंगिंग लगाना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है कि बच्चों के हिसाब से हमें क्या यहाँ लगाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ हिसाब से क्या करना चाहिए, तो मुझे कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। और मुझे भी बहुत इस टाइप के रिव्यू देखना पसंद है, ब्लॉग्स देखना पसंद है, ताकि मुझे भी सही आइडिया मिले सामान लेने से पहले। इसलिए हमने थोड़ा ये रिव्यू आपके सामने दिया है फ़ैन का और स्टोरेज बैग का। अगर आपको सही लगे तो आप उसे परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं उसका रिव्यू। तो ये थी मेरी एक छोटी सी ब्लॉग और कोशिश। और चलिए फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सब खैर।